हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल नेसगिल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक मैसेंजर के बारे में। फेसबुक मैसेंजर में एक नया अपडेट किया गया है, एक नया फीचर आया है। तो गाइस, इस फीचर से आप क्या क्या कर सकते हो इस वीडियो में, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फीचर की मदद से गाइस, आप अगर मान लीजिए कि किसी को अपना कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप सेंड नहीं करना चाहते, तो आप इस फीचर की मदद से आप दिखा सकते हो अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। तो गाइस, कैसे ये सब करना है इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो कर लेते हैं हम स्टार्ट, और मैं ओपन कर लेता हूँ अपना मैसेंजर। तो गाइस, ओपन होने के बाद आपको किसी फ्रेंड की चैट में चले जाना है। चैट में जाने के बाद गाइस, मान लीजिए मैं इसको अपना कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी शेयर करना चाहता हूं इसके साथ, तो मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो कॉल करना है। वीडियो कॉल करना है, मैं वीडियो कॉल पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही वीडियो कॉल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फीचर आ चुका है। तो गाइस, आपको स्वैप अप करना है ऊपर को। जैसे आप ऊपर को स्वैप अप करते हैं, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, शेयर यूआर स्क्रीन। तो गाइस, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर जाएंगे। तो गाइस, ऐसे आप अपनी स्क्रीन को दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।